अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो यार कैसे हो आप सब? ठीक हो? मजे में हो? सुबह सुबह उठ गया हूँ, मतलब सही तरह ना सोया ही नहीं था। रेहान उठा हुआ था तो बार बार तंग कर रहा था, तो सही तरह सोया नहीं जा रहा था। क्या कर रही है तुम? अच्छा शक बहुत करती है मेरे पे ना, बनता नहीं है वैसे शक करना, पता नहीं क्यों करती है। शरीफ सा बंदा हूँ मैं भाई, फिर रहे हैं पता नहीं किसी को ढूंढ रहे हैं। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मैं आज पेशी पे जाना है अभी, तो सबसे पहले तो मुँह शूँ धो लूँ ज़रा। आप लोगों की क्या अजीब शक्ल दिखाई जा रहा हूँ, पता नहीं आग ऐसी रही है, मैंने देखा नहीं अभी तक, बाद में चेक करता हूँ। और इसको उठाना है अभी उमर को भी, क्योंकि इसने कहा था मैंने साथ जाना है। वैसे इसने लास्ट पेशी पे भी कहा था कि मैंने साथ जाना है, और मुझे बार बार रात को सो जा सुबह पेशी पे जाना है, सो जा, उठना नहीं है तो उठना नहीं है। और जब मैं सुबह उठ के उसको उठाया तो यार तू चले जा यार। खैर फिर दोबारा ट्राई करता हूँ, और मुझे वैसे उम्मीद है कि इसने नहीं उठना आज भी। खैर चलते हैं, मुँह दोनों फिर उठाता हूँ उसे। यार ये ना ऐसे ना जो होता है ना, मुझे वो बचपन में याद आ गया। मैं उसको कहने लगा था आप क्या इतना अजीब सा मुंह बना के गुस्से से ऐसे जा रही हो, फिर मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे हमें भी किस तरह ऐसे मुश्किल होती थी ना जाने सुबह सुबह। लेकिन सुबह सुबह उठना कितना बुरा लगता है ना रायहा। रायहा चलो बेटे चलो। जैसा तुम भी ऐसे मुंह बना के जाते थे स्कूल? छोड़ के आते हैं स्कूल यार, मैंने सुबह सुबह ना दिमाग यार दिमाग क्या खराब करना है, तुम्हारा दिमाग है लंच दिखाओ। चलो यार लंच दिखाओ। कहाँ पे लंच? लंच के टाइम तो आ नहीं जाती वो वापस। और वो उसको साथ कोई ड्रिंक शिंक या पानी शानी। बाकी बच्चों को आप क्या दे सकते हैं वो आप मेरे YouTube चैनल। और तुम मुझे क्या दे सकती हो? सुख दा सा। चलो रायहा उठो बेटे, रह जाओ बेटे। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ मैं लेने आऊंगा डन। नहीं वापसी पे लेने आऊंगा ना। बाय बाय। मैं पीछे ही हूँ आपके। रेहा टाटा बाय बाय। रेहान आपको पता है हम दोनों घर में रह गए हैं अब, ठीक है? अब हम करते हैं पार्टी। हाँ थैंक यू। ठीक है डन। ये गुस्से से देखो, गुस्से से फुल गुस्से से गुस्से से मुंह शू धो लिया हमने, मुंह भी धो लिया और शू भी धो लिया। अब जाके ना इसको उठाते देखता हूँ उमर को उठता है कि नहीं। उम्मीद पूरी है नहीं उठेगा। उमर यार तू उठ गया फौरन, तू पहले उठा हुआ था। जाना है आज ये ना कहीं जा। हेलो उठ, तूने मुझे कहा था तूने आज व्लॉग करना, मैं तेरी वजह से व्लॉग स्टार्ट किया, अब उठ जा। नहीं उठेगा तो पूरा व्लॉग बेड पे ही है आज। उठ जा मैं उतार दे, मुझे पता तूने नीचे कुछ पहना भी नहीं होगा। पहना हुआ देखा? नहीं पहना हुआ देख। चल उठ जाना यार। उठ गया फाइनली, तो बस अब चलते हैं और पेशी अटेंड करके फिर एक जगह से ना भटूरे मिलते हैं। और तुझे भटूरे खिलाते हैं आज, बड़े मजे के हैं। जो अच्छी बीवी होती है ना वो आपके सारे काम करती है, स्पेशली सुबह सुबह पोनी, है ना फिजा? पहले मैं पता नहीं तुम पोनी कर रही है या कोई बदले ले रही हो बाल खींच खींच के। यार ऐसी होती है यार, बताओ इतने खींच के बाल बार बार बाल मुंह खींच के ऐसे कर, ऐसे हो जाता है कभी, ऐसे हो जाता है। और ऊपर से ये गुस्से में बैठा हुआ ना यार। हाँ मैं देखता हूँ। ऐसी उम्र नहीं है जो जिसके अंदर यार देखो ये अब वो ब्रेकअप तो पुराना हो गया। अब ये देखो ये ना मतलब ठीक है ना, देखो तेरा पोनी ठीक है यार। दिखाया ना?
किधर आ रही हो? मुंह के ऊपर कैमरा चढ़ाया तो मैं थोड़ा उसके पीछे कर लेता हूँ। हाँ बताओ, ठीक है? देखो जरा, चलो इस पे ना फोनिंग कर देना। डन यार, वो भी उठ गया, ठीक है। और अब हम फटाफट निकल गया, हम लेट हो गए हैं पता है, लेकिन चलो अटेंडेंस ही लगानी होती है। हाँ, निकले हम तो बस पे निकलते हैं। कर दिया स्टार्ट। कुछ ना कुछ बोलते भी है। नहीं मैंने क्या बोला अभी? कर दिया स्टार्ट। अच्छा जी, ये है मुनीब, ये है उमर। अब उन लोगों को तो पता ही नहीं था और ये दोनों बैठ चुके हैं। और हमारा जो वो डेस्टिनेशन है वो स्टार्ट हो गया। डेस्टिनेशन नहीं, सॉरी, सफर जो हमारा स्टार्ट हो गया। और वैसे जो है वो मौसम अच्छा आता है, आज पता नहीं फिर सर्दी हो गई है ना। रात को होगी जब हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो सिस्टम आईडिया होता कि यार सर्दी लग रही है। उमर की सहेली ने कहा था कि अगर गर्मी तो मैं आऊंगी और अगर सर्दी तो मेरे घर वाले बाहर नहीं निकलने देते। अब उमर का मोय मोय हो गया। पहले लोगों को लगता मेरा निकाह हो गया। उमर का जब मोय मोय हुआ था तब मोय मोय आया भी नहीं था। अच्छा भाई चलो, मैं अहेड ऑफ टाइम था बहुत। हम कहाँ जा रहे हैं वो मैंने बता दिया। अच्छा भाई, हम जाके आपसे मुलाकात करते हैं। नहीं तुझे तुझे इतनी जल्दी है, तेरी पेशी है, है? तेरी पेशी है। मैं तुझे पेश करना ना अंदर। तू मुझे ना पेश कर। लॉयर वाला कार्ड होता ना तो फिर हम ठोकर में बच जाते। क्या ठोकर में बच जाते? क्या यार, ये जो कुछ पुलिस वाले होते है ना, एक आधा अच्छे होते हैं। नहीं अच्छे ज्यादा थे, सारे बाकी अच्छे ही थे। एक ही बदतमीज था। और आगा भाई जा रहे हैं अंदर पेशी पे, तो उमर मुझे बाइक ठीक नहीं लग रहे। नहीं नहीं लग रहे, अच्छा भागना नहीं, और भजना दिन तो पैदा नहीं होगा। मेरा मतलब आगे मेरा ब्लॉग पकड़ो तुम। अटेंडेंस हमारी हो गई है, और ये मेरी कितनी पेशी थी, कोई पांचवी पेशी थी, पांचवी या छठी। अभी निकल रहे हैं वहाँ से, और आज मौसम ना थोड़ा सा दोबारा वो ठंडे वाला हुआ हुआ है और साफ साफ वाला। अगर तुझे दोबारा पकड़ ले ना तो सर्दी है फिर, तो गर्मी है, गर्मी सर्दी एक जैसी है। मजा अच्छा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं यार? ये पकड़ने पड़ाने वाली बातें ना कि अगर यार इनसे आगे निकल गए हम। ठीक है यार उमर, ये क्या तरीका कार है जो तुमने रखा हुआ पाँव पर? मैं ऐसा ही हूँ कह दे। मैं ऐसे ही, तुम क्या कह रही हो? मैं जो तब से कह रही हूँ, आज तो कम टाइम लगा, थोड़ा टाइम लगा। आज तो नाश्ता क्या करवा रही हो? मैं भटूरे चले हैं। नहीं उमर, भटूरे के साथ, भटूरे के साथ, भटूरे के साथ तुझे देंगे वो साग, देंगे भटूरों के साथ। हलवा नहीं देंगे? नहीं हलवा नहीं देंगे, हलवा। तो यार अब हम जा रहे हैं भटूरे खाने। ये भटूरे हैं उधर, ये ना पी ए रोड पे हैं, तो उनके मजे के होते हैं। नाम नाम पता नहीं क्या उनका। वैसे ही यार जो अच्छी चीज है, मैं कहा कोई अच्छी चीज बता दिया करें ना लोगों को। लाजमी तो नहीं होता कि आपने वही वो जो पेड कैंपेन होती है वही करनी होती है। उनका भी बनाओ तो मैं जरूर तारीफ करूँ। फिजा मोए मोए नहीं जी, आ गए हमारे भटूरे। तुमने सिर्फ दो मंगवाए? मैं तीन मंगवाए। ये तुम क्या बना रही हो? इंस्टाग्राम स्टोरी। सुबह उठ के नाश्ता कर ही रहे हैं तुम्हारे यार आप क्या? अच्छा ये अलग बना रहा है और मैं अलग बना रहा हूँ। और कुछ? और कुछ बस। और बताओ तुम। नीब अब खाने दो यार। नहीं ऐसे ऐसे मैं व्लॉग में खाऊं? मैं नहीं खा रही आपके। वैसे ये होता है यार, इसमें ये भटूरे हैं और ये सलाद है, ये इसके साथ रायता होता है और ये चने हैं साथ। ठीक है, नाश्ता करके आके हम सो गए थे क्योंकि रात को आपको पता मैं जाग रहा था, तो सोए और आंख नहीं खुली। अभी ये रात हो गई, आंख खुली है और ये तो अभी भी लेटा हुआ। हाँ ये कैसा व्लॉग किया, सुबह व्लॉग स्टार्ट करके आ गया सो गए। और सुना
तेरा बाइसेप कैसा आ रहा है? भाई मेरा बाइसेप है अच्छा बल्ला। हाँ फिट आ रहा। फिर इसको इसमें जिम वाला ब्लॉग ऐड कर ले। ब्लॉग में या बंद करके? ब्लॉग में। हाँ सही सही। हाँ जेल में कभी किसी से चिपड़े चिपड़े नहीं मारी किसी कैदी ने? एक लड़ाई हो गई मुझे। हाँ चिपेड़े है। नहीं चुपेड़े क्यों मारनी है मुझे यार। मैं ना उमर जेल के रूल्स फॉलो करता था सारे। जेल के सारे रूल फॉलो करता था। हाँ मुर्गा कितनी दफा बनाया उन्होंने? क्या मुर्गा क्यों बना? मुर्गा बनाते थे हम, खाते थे फिर है? खाते थे बने नहीं? नहीं नहीं चिकन आता दो दफा आता था हफ्ते में। अच्छा हाँ अब एक और सही सही बात। हाँ सही सही यार ये वाले जो जेल टॉपिक है ना ये हम किसी दिन व्लॉग करेंगे। हम दोनों बैठेंगे और तूने मेरे से सिर्फ पॉडकास्ट वाले पे बैठ जाएंगे फिर यूं ही सामने सामने बैठ के। चल पॉडकास्ट कर लेते हैं जेल का टॉपिक सिर्फ। जेल के टॉपिक पे हाँ चलो डन डन है। जेल वाले जो सारी है ना और सही वाला होगा उसमें जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। दिन कैसे गुजरे क्या करते थे रूटीन क्या थी वहां पे जो आप लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट पे कमेंट्स किए थे ना कि ये क्वेश्चन होने चाहिए थे। आप लोग मुझे इस व्लॉग पे सारे कमेंट्स बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए तो वो सारे फिर उमर क्वेश्चन करेगा वैसे। आप लोगों ने कमेंट्स कर रहे हैं जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जिम का ऐड कर देंगे बीच में भी। हाँ तो अभी अभी आज का ब्लॉग खत्म नहीं हुआ। अच्छा पहले पता क्या जब मैंने जिम शुरू की ना तो मुनीब मेरे से 10-10 किलो वजन ज्यादा लगा रहा होता था। मैं मुनीब को कहता था यार आहिस्ता कर थोड़ा हौला लगा ले। नहीं तू कोई और लगा। अब मैं ज्यादा लगा रहा हूँ तो मुनीब मुझे कहता है आहिस्ता लगा। मैं कहता हूँ तू अपना लगा ले। यार आप देखो छह माह जेल का बंदे ने गुजारे हो और उसके बाद आके पहले दिन ही मुझे कह रहा है ये लगा ये। मैंने कहा रुको जरा सबर करो लगाएंगे सब। ऊपर से एक मेरा इसका एज अपना एज डिफरेंस कितना था पता तुझे? आठ साल का। वो चल 18 साल का। अठारह साल का। यार देखो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे हम वजन बराबर लगाएंगे और बड़ा बड़ा हैवी लगाएंगे। आज आपको एक्सरसाइज भी दिखाते हैं थोड़ी सी ना। आज चेस्ट करते हैं ना। नहीं नहीं आज बाइसेप ट्राइसेप शुरू कर रहे हैं। मैंने उन लगाई थी तो कल परसों तो लगाई थी। बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर या शोल्डर से शुरू कर लेते हैं कोई नहीं मसला। चलो शोल्डर से कर लेते हैं। बाइसेप ट्राइसेप फिर चेस्ट नहीं फिर बैक फिर चेस्ट फिर लेग्स। भाई ये बाइसेप लेग्स एंड पे रखो यार। अभी बस थोड़ी देर में चलते हैं जिम तो मिलते हैं जाके जिम में। फिर फोकस आउट है ठहर जा। हाँ अब ठीक है जूम कर जूम। चल अब देखो एक मिनट और जूम करने दे। ठीक है फिट है बस इतना ही दिखाना था। अब आपको लगता है आपको एक ब्लॉग के मज़े में तीन तीन चीज़ें दिखाएं नाश्ता भी पेशी भी और ऊपर से जिम भी। चलें चलते हैं अब वापस। ठीक है ओके आसिफ भाई अल्लाह हाफिज़। यार ये कितना नॉन सीरियस बिहेव है यार। इस तरह बॉडीज नहीं बनती हारिस। यार नहीं भाई ये ग्रीन टी पी रहा हूं यार। ग्रीन टी क्या किया क्या तूने कुछ करवा के आया तो? अच्छा मैंने ना वो ये दाढ़ी का करवाया। दाढ़ी नहीं आती मेरी ना ये आहिस्ता कान में बता रहा मैं आपको वॉइस ओवर करके बता दूंगा क्या। इसलिए डॉक्टर ने मना किया। तो जिम ऑफ छुट्टी आज कि आज आपने जिम नहीं करना मना आपके मसल्स जो है ना वो कितने दिन का इसको क्या जो एक दिन का कल से चला जिम करूं। हां डन। ये क्या ये ग्रीन टी? मैं कहा मौसम अच्छा कुछ और ना पी रहा हो। यार मेरी बात सुन। हेलो कोई काम की बात कर ले। क्या काम की बात करनी है तू उठ के बाहर जा। यार बड़ी ना इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारी। अब वीडियो चल रही है। अच्छी गल चल रही है। क्या कह रहे तू यार? जो ब्लॉग होता है ना नहीं जो जेन्युइन जिसे ब्लॉगिंग कहते हैं वो यही होता है कि आप नेचुरल दिखाओ। आपने बना के नहीं कुछ करना। अब जो तुम नेचुरल बातें कर रहे हैं मैंने ब्लॉग बनाया आज ना विशा के साथ फिर वो ना प्रैंक करना था। मैंने ना फेक स्नेक लिया हुआ ठीक है तो मैंने एक दफा डराने की कोशिश की वो नहीं थी दूसरी डराने की कोशिश। मैं कह यार मुझे ये नहीं समझ लगती ये जो यूट्यूब पे होता है वो तो पता यार वो एक्टिंग अच्छी करते हैं। बंद कर दे कैमरा यार। मैं ना बल्कि सोच रहा हूँ मैं व्लॉग ही बंद करता हूँ। बहुत लंबा व्लॉग हो गया तो पता मेरा आज के व्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं ठीक है।
और ख़त्म कर, देखो किस टाइम पे कर रहा हूँ मैं जाके, क्योंकि वैसे भी आए भी थोड़ी देर पहले, घंटा पहले घर आए हैं, अभी तो 6 बज रहे हैं सुबह के, तो अभी जाके इसको पहले मैं एडिट कर लेता हूँ और इंजॉय करें व्लॉग। मुझे ना मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इस वजह से मैंने कहा यार आप लोगों के लिए व्लॉग बना लेते हैं। तो थोड़ी सी मैं व्लॉगिंग ना भूल भी गया हूँ, मतलब जिस तरह पहले एक फ्लो बन गया था ना आपका बन जाता, तो वो जिस तरह इतने माह का गैप आया तो थोड़ा सा वो वाला अभी फ्लो बन नहीं रहा था, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा यार, ठीक सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।